नमस्कार, स्वागत आप सभी का मंडियों के हाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और मंडियों के हाल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्याज के ऊपर। सबसे पहले यहां पे चर्चा होगी प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर, प्याज के निर्यात के ऊपर, जो कि इस वक्त बढ़ती कीमतों के कारण धीमा हो गया है, थोड़ा गिरावट आई है प्याज के निर्यात के अंदर। तो आपको बता दें कि प्याज की अच्छी कीमतों के कारण भारत में प्याज का निर्यात धीमा हो गया है। दुबई सहित अरब देश वर्तमान में तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान से प्याज में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तुर्की के प्याज की कीमत $400 प्रति टन, मिस्र की प्याज की कीमत 375 से $425 प्रति टन और पाकिस्तान की प्याज की कीमत 370 से $400 प्रति टन है। ईरान में व्यापारियों ने आयातकों को 15 दिनों में आने वाले प्याज के लिए $370 प्रति टन की पेशकश शुरू कर दी है। साथ ही लंदन समेत यूरोपीय बाजार में ₹30 प्रति किलो के भाव से हॉलैंड की प्याज का दबदबा है। श्रीलंकाई व्यापारियों के लिए तुर्की के निर्यातकों ने प्याज के लिए $425 प्रति टन की कीमत तय की है। मौजूदा समय में एक टन भारतीय प्याज निर्यात की कीमत $620 से $650 तक पहुंच गई है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण पाकिस्तान के नए प्याज की कीमत में ₹2.5 प्रति किलोग्राम की कमी आ गई है। अफगानिस्तान में व्यापारी $400 प्रति टन के हिसाब से एकीकृत जांच चौकी पर प्याज भेजते हैं। वहां से पाकिस्तानी निर्यातक अफगान प्याज को $430 प्रति टन के हिसाब से भेज रहे हैं। चीन में प्याज का भंडारण शुरू हो गया है। यह प्याज एक महीने बाद बिक्री के लिए निकलेगी। वहीं नासिक जिले में सप्ताह के पहले दिन प्याज की कीमतों में ₹1 से ₹2 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई थी। लासलगांव में ग्रीष्मकालीन प्याज की कीमत ₹3639 प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित रही। पिंपलगांव बसवंत में शनिवार से सोमवार तक ग्रीष्मकालीन प्याज ₹4200 प्रति क्विंटल पर बिकी और मंगलवार को इसकी कीमत ₹4001 से अधिक हो गई। वहीं येवला में भाव ₹212 प्रति क्विंटल से घटकर ₹3500, कलवण में ₹700 घटाकर ₹3800, मुंगसे में ₹3400, चांदवड़ में ₹3486, मनमाड़ में ₹3200 किया गया, देवला में ये ₹3350 था। यहाँ प्याज की कीमत ₹285 प्रति क्विंटल बढ़ी है। लासलगांव में ताज़ा लाल प्याज का भाव ₹450 की गिरावट के साथ ₹2100 प्रति क्विंटल पर आ गया है। मुंबई में अधिकतम भाव ₹3500, पुणे में ₹3600, नागपुर में ₹3500 और सोलापुर में ₹4175 प्रति क्विंटल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जमा प्याज का 15-20% हिस्सा बचा है। वहीं दक्षिण में प्याज को नुकसान पहुंचा है और बाजार में पहुंचने वाले 70% प्याज को बारिश के पानी से नुकसान होने की संभावना है। राजस्थान में दिवाली के बाद प्याज की आवक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और एक महीने के भीतर मध्य प्रदेश में नई प्याज के बाजार में आने की भी उम्मीद है। नासिक जिले में नए लाल प्याज पिछले साल अक्टूबर से बाजार में आने लगे थे। वर्तमान में लाल प्याज की बिक्री के लिए है, लेकिन कम मात्रा में। नासिक जिले में लाल प्याज की आवक बढ़ाने में 1-1.5 महीने का समय लगेगा। इन सभी स्थितियों ने देश में नासिक के भंडारित ग्रीष्मकालीन प्याज की बढ़ती मांग में योगदान दिया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, भारत की प्याज की कीमतें जो कि लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय प्याज का जो निर्यात है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय प्याज की निर्यात की कीमत $600 के पार है प्रति टन की अगर बात की जाए। वहीं अन्य देशों के मुकाबले भारतीय प्याज की कीमतों में तेजी ही है। तो ये थी हमारी खास पेशकश प्याज के निर्यात के ऊपर।